हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास पोको M2 फ़ोन आया है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 5G नेटवर्क शो हो रहा है, लेकिन ये फ़ोन 4G है और हम इसका इंटरनेट यूज़ करते हैं तो फेक इंटरनेट शो हो रहा है, मतलब कि कोई चीज़ ओपन ही नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 5G शो हो रहा है। और सेटिंग के अंदर हम चेक करेंगे, देखिए VI का सिम है यहाँ पर, और नेटवर्क टाइप को हम सिलेक्ट करेंगे, 2G 3G कहीं पे भी हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा 5G शो हो रहा है, फेक नेटवर्क का इश्यू है। तो वो दुकानदार भाई ने हमें बताया था कि पहले इधर यहाँ पे सॉफ्टवेयर किया हुआ था, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ था। तो इस केस में फ्रेंड्स, इसका कोई ट्रेसिंग का कोई इश्यू नहीं है कि इस फ़ोन में कैसे काम करे, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली थोड़ा बहुत IC पे किसी ने काम किया हुआ है। तो अभी आज हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन इसका क्या है और इसका प्रॉब्लम कहाँ से निकलता है वो हम देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर का तो उसने पहले बता दिया था, तो मैंने अभी सॉफ्टवेयर का सबसे पहले हम काम नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमने इसका 4G यहाँ पे ये हमारा RF है मेन, उसको हमने कुछ नहीं किया है, और यहाँ पर इसका 4G RF को हमने चेंज किया, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो वो वीडियो थोड़ा सा मैंने कट कर दिया, वो आगे नहीं दिखाया। तो अभी यहाँ पे हमारा जो मेन RF है, यहाँ पे हम काम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसका जो वोल्टेज की जो लाइन है फ्रेंड्स, वोल्टेज हमारा प्रॉपरली आ रहा है, फ्लैक्चुएट होना चाहिए, सभी 1.7, सभी डेटा क्लॉक सभी ओके आ रहा है। तो इसमें क्या इश्यू हो सकता है, तो अभी हम यहाँ पे इसका रीज़न हो सकता है कि फेक नेटवर्क का इश्यू हो। सॉफ्टवेयर का वो पहले बताया था कि लगा दिया था, तो चलिए अभी हम सॉफ्टवेयर का पहले नहीं करते, पहले हार्डवेयर पे ही काम करते हैं अभी। तो सबसे पहले इसका हम WTR हम बोलते हैं, लेकिन इसमें MTK का आता है उसका मेन RF, उसको अब एक बार हम इसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद इसका क्या कंडीशन है वो देखेंगे। तो रिबोल से काम नहीं होगा, रिप्लेस ही करना पड़ता है। कई भाई बोलते हैं कि नो सर्विस का इश्यू, हम रिबोल कर दे चलेगा, तो रिबोल से कभी कभी चल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 5 या 10 दिन के बाद फिर से वही प्रॉब्लम सो होती है। तो चलिए एक बार हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमने रिबोल करके रेडी रखा है दूसरे बोर्ड में से निकाल के, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से रिबोलिंग मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पे इसकी हम क्लीनिंग को कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने रिबोलिंग कर दिया है, दूसरे बोर्ड में से इसको निकाल दिया था, ये पुरानी IC है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगा देंगे। और यहाँ पे SMD हमारे पास है क्विक 857 DW+, और टेम्परेचर 380, एयर 20। तो इसकी पोजीशन आपको पहले देख लेनी है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट को देना है, और हीटिंग पहले आपको सही से करना है, उसके बाद हल्का सा IC को मूवमेंट करवाना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे IC को प्रॉपरली कर दिया था, फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो हमें एक बार CPU की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन सभी हमने कर दिया है, सभी वोल्टेज भी ओके आ रही है, तो रीज़न हो सकता है कि CPU का कोई दिक्कत हो। तो चलिए यहाँ पे CPU की तरफ हम काम करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि CPU से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और मैंने देखा कि CPU करने से पहले एक बार हमने इसका सॉफ्टवेयर किया, तो सॉफ्टवेयर हमारा फेल्ड हो रहा था, फ्लैश नहीं लग रहा था इसमें। तो इसका रीज़न भी हो सकता है कि CPU में कहीं बॉल्स में प्रॉब्लम होगी। पहले मुझे जिस भाई से फ़ोन आया, उसने बताया था कि हमने इसका सॉफ्टवेयर किया था 2-3 महीने पहले, लेकिन अभी हमने इसका सॉफ्टवेयर कर रहे थे तो डिटेक्ट इन स्टोरेज टाइप फेल दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर फ़ोन हमारा ऑन कंडीशन था। तो हो सकता है कि कहीं बॉल्स में कोई प्रॉब्लम हो CPU में, इसके कारण भी फ्लैशिंग का कोई इश्यू हो सकता है। तो चलिए एक बार हम इसका चेक करते हैं कि इश्यू कहाँ पे है, और ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा म्यूज़िक पे रखते हैं, और बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ।
जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सीपीयू ईएमसी को रिबॉल कर दिया, उसके बाद हमने फिर सॉफ्टवेयर किया, तो फ्रेंड्स हमारा सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली लग चुका है, क्योंकि वो वीडियो मैंने थोड़ा कट कर दिया है, क्योंकि वो सब नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसकी वजह से मैंने कुछ नहीं किया, यूएमटी से उसको फ्लैश किया है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि हमारा जो फेक 5G नेटवर्क का इश्यू था वो प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं। इसमें प्रॉब्लम फ्रेंड सॉफ्टवेयर का ही था, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर हमने पहले चेक किया तो हमारा फ्लैश नहीं लग रहा था, स्टोरेज टाइप फेल्ड आ रहा था। फिर हमने आईसी को चेंज किया, फिर हमने सीपीयू ईएमसी को रिबॉल किया, तब जाके हमने इसको फिर से फ्लैश किया तो हमारा फ्लैश लग रहा था। तो इसका इश्यू सीपीयू से ही था फ्रेंड्स, इसकी वजह से स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही थी, और इसका फेक ये नेटवर्क का इश्यू था वो फ्रेंड्स हमारा सॉफ्टवेयर से था। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम आपको कम्प्लीटली चेक करवा देते हैं कि पहले हमारी जो प्रॉब्लम थी फेक 5G नेटवर्क की, वो प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं। तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो के साथ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4G वोल्टी लिखा हुआ आ चुका है, मतलब कि जो प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुकी है। मैं आपको परफेक्टली चेक करवा देता हूँ, देखिए यहाँ पे 4G आ रहा है, और एक बार हम कॉल लगा के भी चेक करते हैं। हमने इसको सॉफ्टवेयर किया बाद में, पहले सॉफ्टवेयर हमारा फेल्ड हो रहा था। देखिए वोल्टेज भी आ रहा है, एक बार कॉल लगा के भी आपको चेक करवाता हूँ, और सेटिंग के अंदर आपको चेक करवा देता हूँ। पहले हमारा नेटवर्क सिलेक्ट भी नहीं हो रहा था, देखिए यहाँ पे अभी हम 2G पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका, और यहाँ पे नो सर्विस आ गया, मतलब कि पहले ऐसा कुछ भी वो कुछ शो नहीं हो रहा था, डायरेक्टली 5G शो हो रहा था, ऐसी हमारा पहले प्रॉब्लम थी। और हमारी ये जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स 100% सोल्व हो चुकी है। तो इनकेस आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आए तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले ऐसा हो तो सॉफ्टवेयर की ट्राई करनी है, सॉफ्टवेयर आपका फेल्ड हो रहा है तो आपको सीपीयू ईएमसी को रिबॉल करना है और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखिए हमारा कॉल भी यहाँ पे कम्प्लीटली लग रहा है, पहले भी कॉल लग रहा था लेकिन इंटरनेट इसका फेक आ रहा था। तो देखा फ्रेंड्स इसमें कैसी प्रॉब्लम थी और हमने इसमें किस तरीके से काम किया, अब समझ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी वीडियो आपकी डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का।